अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, यस सर। अच्छा, कल हमने डिक्शनरीज को देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि डिक्शनरीज कैसे बनाई जाती हैं, इसके बाद आइटम्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, चेंज किया जाता है या न्यू आइटम्स को कैसे ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है। तो कौन बताना चाहेगा ये चीज़ें? सर, ये आप स्क्रीन ओपन करें फिर थोड़ा थोड़ा मतलब जो जो आप चीज पूछेंगे कल के लेक्चर का वो बता दूं, रिवाइज हो जाएगा। ओके, मैं स्टार्ट से कर लेता हूँ जहाँ से डिक्शनरी हमने स्टार्ट की थी। सबसे पहले जब हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं तो हम लोग मेन हमारे पास पेयर्स में की और वैल्यू, ये दो पेयर होता है ना, की एंड वैल्यू का। तो इसमें हम लोगों के पास जब भी हम लोग डाटा एंट्री करेंगे डिक्शनरी में तो हमारे पास की हम लोग देंगे और साथ उसकी वैल्यू देंगे, प्लस जो इसको जो रिकग्नाइज करने का साइन होता है वो होता है ये कर्ली ब्रेसिस। अच्छा, इसके बाद हम लोग जब हम की एंड वैल्यू, ये हमारे पास एक इंडेक्स पे होगी और हम लोग इसमें भी डुप्लीकेट कीज वैसे नहीं एंटर कर सकते, लेकिन अगर हम एंटर कर देते हैं तो ये जो रिसेंट वन होगी उसको लेगी। अच्छा, जो हम लोगों के पास फर्स्ट कोड है ए इज इक्वल टू, इसमें हम लोगों ने कर्ली ब्रेसिस में एंटर किया ब्रांड मॉडल और ये, और इसके साथ हम लोगों ने ये कीज है और इसके साथ हम लोगों ने वैल्यूज दी है, और बाद में हम लोगों ने इसको डिक्शनरी को जब प्रिंट करवाया है तो हम लोगों ने प्रिंट हम लोगों ने नहीं, हमने जस्ट ये कहा है कि इस इंडेक्स पे यानी जो ब्रांड की है मतलब प्रिंट ए, और हमने मेन जो पास किया है वो हम लोगों ने इंडेक्स पास किया है की का, मतलब वो की का नेम मेंशन किया है तो वो हमें वैल्यू दे देगा कि इस की के अगेंस्ट की वैल्यू है। ये समझ आ रही? हाँ, फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड की थी उसमें हम लोगों ने डिक के नेम से एक डिक्शनरी बनाई थी और उसमें भी हम लोगों ने यही वैल्यूज दे दी हैं। अब हम लोगों ने जब डिक प्रिंट करवाते हैं मतलब प्रिंट और एज इट इज जब नेम करवाएंगे तो हमारे पास सारी डिक्शनरी जितनी भी होगी उसकी कीज और वैल्यूज दोनों ही प्रिंट होके आ जाएंगी। थर्ड में नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को पता चल जाए कि डिक की लेंथ कितनी है, मतलब हमारी जो डिक्शनरी है उसकी लेंथ कितनी है, तो जो लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग मेथड यूज करते हैं LEN का। उसमें हम लोग उसका नेम, डिक्शनरी का नेम जब पास करेंगे तो वो हम लोगों के पास वो बता देगी कि इसकी लेंथ कितनी। अब इसमें देखें, हमारे पास देखने में तो ये चार कीज नजर आ रही हैं लेकिन इसने हमें जो लेंथ रिटर्न की है वो थ्री की है, वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग डुप्लीकेट कीज एंटर करेंगे तो ये हमें सिर्फ रिसेंट वन जो हमने लास्ट में की होगी उसको ही कंसिडर करेगी, दूसरी को ओवरराइट कर देगी मतलब उसको कंसिडर नहीं करेगी, इसलिए इसने हमें जो लेंथ दी है वो तीन दी है, थ्री दी है। और नीचे जो हम लोगों के पास नेक्स्ट है, इसमें भी हम लोगों ने जब डिक्शनरी में हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे, अच्छा हम लोगों ने ना डुप्लीकेट एंट्रीज कर दी हैं गियर की, अब जस्ट हम ये चेक करना चाह रहे थे कि अच्छा जब हम देंगे की तो हमें वो वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, जैसे गियर हमें नजर आ रहा है कि हमने दो बार एंट्री किया, जिस वक्त हम लोग ईयर पास करेंगे ईयर जो इन इंडेक्स की फॉर्म में हमने करना है कि इस इंडेक्स पे जो हमारे पास ये इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास की है तो इस पे ये रिटर्न क्या करेगा, तो इसने हमें जो रिसेंट हमने एंटर किया था ना 2002 हमें वो ईयर रिटर्न किया है, जो दूसरे वाला है उसने इसको काउंट नहीं किया। अच्छा, इसके बाद नीचे जो था इसमें, अच्छा इसमें हम लोगों ने जो डिक्शनरी में हम लोग कुछ भी पास कर मतलब जो हम लोगों के पास कीज होती है ना उसके साथ हम जो वैल्यूज देते हैं वो हम स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग टपल्स हम लोग सेट हम लोग कुछ भी दे सकते हैं वैल्यूज कीज के अगेंस्ट। अब इसमें अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ टपल पास किए हुए कलर टू के नेम से, अब हम ये चाह रहे हैं कि टपल में टू वैल्यूज है, रेड भी है और ग्रीन भी है,
तो जब हम सिर्फ एक वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने डिक्शनरी का, हम लोगों ने वहां पे जब प्रिंट करवाया है तो डिक के साथ हम लोगों ने पहले टपल, जो टपल तो नहीं हम कंसीडर करेंगे इधर, हम लोग इसको की ही कंसीडर करेंगे कि की हम लोगों ने एंटर करनी है, और की के बाद हम लोग इंडेक्स देंगे कि हाँ 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी वो वाली आ जाए। तो जब हम लोगों ने उसको रन किया है तो हम लोगों के पास रेड आ गया, अगर हम यहाँ पे वन करते तो हमें वो ग्रीन देता। यहाँ तक समझ आ गई सर? ये रिवीजन थी ना। नेक्स्ट अच्छा, डिक्शनरी टू के नेम से हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई है। समटाइम हम लोग जब लिखते हैं ना डिक्शनरी को, तो जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था तो हम लोगों ने कर्ली ब्रेसिस का यूज किया था और एक साइड पे हम की कॉलन वैल्यू डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो की वर्ड है डिक्ट का वो यूज कर सकते हैं, और हम लोग नेम इज इक्वल टू यानी ये वाला भी सेंटेक्स यूज करके हम डिक्शनरी बना सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास सेम ऐसे आ गया कि डिक्ट के बाद हम लोग नेम जो हमारी की है, और की में हम लोगों ने नेम मेंशन किया है, फिर उसके बाद एज मेंशन कर दी है, एज जो है वो वैल्यूज, फिर इसी तरह कंट्री पाकिस्तान। अब जब हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा देंगे तब हमारे पास सारी डिक्शनरी प्रिंट होके आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसकी लेंथ चेक करनी थी कि कितनी लेंथ है, तो ये हमें 3 रिटर्न कर दिए इसने। उसके बाद हम लोगों ने किए थे कुछ मेथड्स यूज किए थे जो डिक्शनरी पे अप्लाई होते हैं, उसमें एक मेथड था गेट का। गेट से जैसे हम लोगों ने डिक्शनरी बनाई है उसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लिया है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि हम वो वेरिएबल जो है ना उसको कॉल करवाएंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोगों ने वेरिएबल में डिक्ट जो हमारी डिक्शनरी का नेम है और गेट का जो मेथड है वो कॉल करवाया है। गेट के मेथड में हम लोगों ने पास किया ईयर को, अगर हम गेट में ब्रांड पास करते हैं तो वो हमें रिटर्न में, जब हम लोग रिटर्न करते तो वो हमें फोर्ड रिटर्न करता। इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि वो की हमने पास की है तो गेट के बाद वो हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कोई भी हम लोग यहाँ पे पास करवा सकते हैं कीज और ये हमें रिटर्न करवा देगा वैल्यूज को। नेक्स्ट हम लोगों ने इसी तरह कुछ किया था कि अगर हम लोगों ने वैल्यूज लेनी है, कि हमें ये नहीं पता कि अच्छा पूरी जो हमारी होल डिक्शनरी है उसमें वैल्यूज कीज का भी कर सकते हैं और वैल्यूज का भी कर सकते हैं, अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो हमें कीज रिटर्न करते हैं कि कितनी, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा जैसे समटाइम होता है कि आपने जस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं कि आपने आईडी नेम रीजन कंट्री या कुछ भी है कुछ ऐड करना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इन डुप्लीकेट एंट्री ना कर दे, तो सिर्फ आपने वैल्यूज लेनी है, कीज लेनी है कि कौन कौन सी कीज हैं। तो हम लोग डिक जो हमारी डिक्शनरी का नेम है डॉट कीज, कीज का जो है मेथड वो कॉल करेंगे, वो प्रिंट करवाएंगे। तो जिस वक्त हम लोग उसको करेंगे तो वो हमें सारी जितनी भी ये होंगी कीज वो सारी हमें दे देगा, और सर वो एक लिस्ट के फॉर्म में देगा। जी बिल्कुल, हमें एक सर लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा वो, जो भी हमारे पास कीज या वैल्यूज हम रिटर्न करवाएंगे ना उसे, वो हमें लिस्ट के फॉर्म में देगा। सही सही और अच्छा, इसी तरह अगर हम लोगों ने वैल्यूज लेनी होगी तो हम लोग डिक्शनरी का नेम और डॉट वैल्यूज जब करेंगे तो हमें वो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमें रिटर्न कर देगा, और वो भी हमें लिस्ट के फॉर्म में जितनी भी कीज हैं उन सब की वैल्यूज वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने गेट पढ़ा, इसके बाद कीज पढ़ा, और कीज के एक बाद वैल्यूज का पढ़ा है। इसके बाद जो आगे, अच्छा कीज में एक और चीज भी सर आपने करवाई थी कि अगर हम जो मतलब इधर तक तो हमारे पास इस वाले प्रोग्राम में ये हमें डिक्शनरी में प्रिंट कर देगा जितनी भी जो भी कीज हैं, जितनी भी थी, फोर्ड थी, मैस्टैंग थी, 1964 है, रेड है, ग्रीन है, सारी। लेकिन इसके बाद हम लोग असाइन कर रहे हैं, जो जब हम लोग इंसर्ट करते हैं या असाइन करेंगे, जब इंसर्ट करेंगे तो वो तो एक न्यू है, लेकिन जब हम लोगों ने कह रहे हैं कि जो हमारी कलर टू की जगह पे, ये टपल की जगह पे जस्ट स्ट्रिंग आ जाए, वाइट वाइट स्ट्रिंग है ये हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी जो ट्रिपल बना हुआ है ना कि रेड और ग्रीन दो वैल्यूज पास हो रही है इसमें, वो उसको चेंज करके ये वाइट जो है वो असाइन कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें कलर, सर इसको दोबारा रन करती हूँ। अच्छा, इसमें हम लोग असल में ले कीज ही रहे हैं, वैल्यूज यहाँ पे लेंगे तो हम लोगों को व्हाइट जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा उसकी। ये समझ आ गई सर?
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट किया था कि किसी भी जगह पे अच्छा एक फॉर लूप का, वैसे सर ने बताया था आइडिया दिया था कि अच्छा फॉर लूप के थ्रू भी हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं। उसमें हम लोगों ने जिस फॉर लूप का जो सेंटेक्स होता है, जो पाइथन पाइथन में यूज करते हैं, फॉर और इन जो है वो मेन कीवर्ड्स होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, और हम लोग आई कह दें, ए कह दें, कोई भी हम लोग वेरिएबल, मतलब कोई भी इंडेक्स हम लोगों ने जब लेना होता है ना, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग आई का यूज कर रहे होते हैं वर्ड। तो फॉर आई इन डिस्क, डिक जो है ये हमारे पास पूरी लिस्ट है, तो हम लोग कह रहे हैं कि जितनी भी लिस्ट में वो है जो स्टार्टिंग इंडेक्स इंडेक्स है अभी, वो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो प्रिंट हो जाएगा आई, जो आई को हमारे पास वो ले रहा है। सर ये थोड़ा बता दें। जी मैम, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। ये मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास लूप था। वैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक यही है, बल्कि अगला एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, उससे अगला टॉपिक हमारा लूप्स का, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि हमने एक फोर लूप लगाया। फोर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि हम फोर आई आई जो भी आई में जो भी होती है पहली वैल्यू, लाइक इसमें तो पहली की आएगी, या हम अगर कोई लिस्ट पे लगाए ना ये लूप, तो उसमें पहला इंडेक्स आएगा या पहली वैल्यू आएगी, जो भी पहली चीज़ आएगी ना किसी भी लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, वो इस आई के अंदर आ जाएगी। और इधर हम इस पे अब लूप लगा रहे हैं, ये पूरा डिक्शनरी हमारे पास जो DIC वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो हम इसके ऊपर लूप लगा रहे हैं। तो फोर आई इन डिक्शनरी, तो आई में हमारे पास पहले जब एक दफ़ा लूप चलेगा, अच्छा लूप जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उन सब के लिए लूप चलेगा। वैसे हम लूप के अंदर एक रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम पढ़ने के बाद में कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन अब जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज है ना, लाइक जितनी इसके अंदर कीज हैं, इसके अंदर 4 कीज हैं, तो 4 बार ये लूप चलेगा। पहली बार लूप चला है, आई के अंदर हमारे पास की आ गई है पहली, जिसमें है जो की है वो ब्रांड है। तो हम क्या करवा रहे हैं फॉर लूप के अंदर, हमने कंडीशन क्या दी हुई है कि प्रिंट क्या करवाए, आई आई के अंदर पहले क्या आया है, ब्रांड, ब्रांड प्रिंट होगा हमारे पास, ये प्रिंट हो रहा है। देन हमने क्या कहा है, हमने इस तरह का कुछ स्ट्रिंग्स के अंदर देखा था, बल्कि लिस्ट के अंदर भी देखा था, कि हमारे पास डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जो आई के अंदर हमारे पास ब्रांड है क्योंकि पहली की आई है, तो की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी ना वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। की तो हमारे पास प्रिंट होगी क्योंकि हमने जस्ट एज इट इज आई लिखा, तो एज इट इज आई वो ब्रांड प्रिंट हो गया। लेकिन अब हम कह रहे हैं उसे कि डिक्शनरी के अंदर जाए, देन ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको पास कर रहे हैं आई लाइक ब्रांड, हम इस तरह पास कर रहे हैं। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को, हम ऐसे दे रहे हैं उसको ब्रांड, क्योंकि ब्रांड जो हमारे पास वो आई वेरिएबल के अंदर स्टोर है, अभी ये एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, तो ब्रांड स्टोर है, ब्रांड के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी ना हमारे पास वो इधर प्रिंट हो जाएगी, लाइक फोर, ये फोर प्रिंट हो गई। देन हमारे पास सेकेंड टाइम लूप चला है, हमारे पास सेकंड टाइम इसके अंदर की आ गई है मॉडल, इस आई के अंदर सेकंड टाइम जब चला है, तो सेकंड टाइम हमारे पास आई के अंदर पहले तो मॉडल प्रिंट हो गया, ये आई, ये यहाँ पे मॉडल प्रिंट हो गया। देन हमारे पास डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर चेक करें वो मॉडल, मॉडल के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए, वो मस्ट रैंक है, वो हमारे पास प्रिंट होगी। ऐसे 4 बार लूप चला है और 4ों बार ये वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। सर इसमें मुझे ये नहीं समझ आया था कि ये स्पेस, जैसे ब्रांड स्पेस फोर, लाइक जैसे अगर हम लोग जब भी प्रिंट करवाते हैं कोई स्टेरिक या स्पेस, तो हमें अलग से प्रिंट में मतलब ऐड करके या बताना पड़ता है, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ऐसा लिया है या? जी, हमने असल में कोमा डाल दिया ना, तो कोमे की वजह से इसने एक स्पेस ले ली है यहाँ पे। वैसे हमें डालना पड़ता है लाइक स्लैश एंड डालते हैं, या हम एक अलग से स्पेस डालते हैं, लेकिन इधर हमने कोमा डाल दिया ना, तो लाइक जैसे टपल्स के अंदर होती है ना स्पेस, जैसे ये टपल एक है, इसके अंदर एक बीच में स्पेस आ रही है कोमा के बाद, उस तरह ये स्पेस डाल रहा है। क्लियर नहीं है अभी भी आपको? क्लियर है? जी सर, ओके,
अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना पढ़ेंगे आगे, लूप्स का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे हम इन लूप्स को, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास ये ऑपरेटर्स थे, कुछ इन ऑपरेटर हमने इसमें यूज़ किया है कि हमारे पास ये मॉडल की जो की है ये डिक्शनरी के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर ना होती तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता, जस्ट चेक करने के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, हम अपडेट कर रहे हैं डिक्शनरी को, वही जैसे हम लाइक कोई न्यू वैल्यू, न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये अपडेट की कमांड से भी हो सकता है। उसके अलावा हमने दूसरे भी देखे थे, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हमने अपडेट की थी। उसके बाद हमने रिमूव कैसे किया जाता है आइटम्स को, लाइक अगर इधर हमने पॉप का एक मेथड यूज़ किया है, पॉप के अंदर हमें की पास करनी पड़ेगी, हमने जिस की और वैल्यू को रिमूव करना है, जस्ट वो की पास करनी पड़ेगी, तो वो की और वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएंगी। अगर हम कोई भी की पास नहीं करते तो फिर हमें डॉट पॉप आइटम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो लास्ट वाला जो होगा ना की वैल्यू पेयर, उसको रिमूव कर देगा। ये चीज़ क्लियर है? जी ये हमने देखा था, एक डेल का कीवर्ड था और एक हमारे पास क्लियर का फंक्शन था। तो डेल का कीवर्ड क्या करता है, हमारे पास पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देता है, और अगर हम फिर उसको डिक्शनरी को प्रिंट करवाना चाहें तो एरर देता है हमें, क्योंकि हमारे पास डिक्शनरी है ही नहीं, डिलीट हो चुकी है पूरी। लेकिन एरर से बचने के लिए, कि हमारे पास एरर प्रिंट ना हो, उसके से बचने के लिए हम क्लियर का फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें क्लियर क्या करता है, हमारे पास जितने भी उसके आइटम्स होते हैं ना डिक्शनरी के या लिस्ट के, तो उनको रिमूव कर देता है, लेकिन हमारे पास एक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी बचती है, जिसकी वजह से वो एरर थ्रो नहीं करता। ये हमने एक कॉपी का मेथड देखा था, कि हमने अगर एक डिक्शनरी है उसको दूसरे वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करना हो, लाइक वो डिक्शनरी दूसरे वेरिएबल के अंदर भी आ जाए, तो उसके लिए हम एक कॉपी का मेथड यूज़ करते हैं, वैसे डायरेक्ट अगर हम असाइन कर दें तो डायरेक्ट भी आ जाती है। अच्छा, ये हमारा आज का है टॉपिक नेस्टेड डिक्शनरीज का। नेस्टेड डिक्शनरीज में कल हमने क्या किया था, पहले तो आप ये देख लें कि डिक्शनरी का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये की है, देन जब हम कॉलन लगाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि हम आगे उसकी वैल्यू दे रहे हैं। अब ये हमारे पास एक की है, देन हमने उसकी वैल्यू में क्या दिया है, अगेन एक डिक्शनरी दी है। अब उस अगेन डिक्शनरी में क्या है, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, वो दो कीज हैं, एक नेम और एक एज, और उसके अगेंस्ट दो वैल्यूज हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन के हमने नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाई है? अच्छा, फिर हमने इसको क्या किया है, पहले तो हम गए हैं, हमने कहा है कि जो चाइल्ड की है ना हमारे पास, उसको एक्सेस करें, देन हमने क्या कहा है, चाइल्ड की के अंदर फर्दर एक की है नेम नाम की, चाइल्ड तो की है ना, देन उसकी वैल्यू है एक डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर एक फिर की है, दो कीज हैं, जिसमें से हम पहली वाली की नेम को उठा रहे हैं, और नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू है हमें वो उसका वो प्रिंट चाहिए, तो वो उसको प्रिंट कर रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता था, कीज और वैल्यूज होती थी, जिसमें हमने पहली अपनी की बनाई है चाइल्ड के नाम से, उसके अगेंस्ट वैल्यू रखी है हमने एक डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, तो अब इस की ये वैल्यू जो है वो पूरी एक डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी के अंदर अगेन की वैल्यू पेयर्स हैं, क्योंकि तो डिक्शनरी के अंदर तो होता ही की वैल्यू पेयर है। तब हमने इसके अंदर दो कीज बनाई हैं ये, और दो वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट, हर की के अलग अलग वैल्यू, तो हम किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, पहले हम इसी को एक्सेस कर लेते हैं, जस्ट जो हम हमारी मेन है, मेन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक की थी, एक की थी, तो उसको एक्सेस कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, क्योंकि ये पूरी डिक्शनरी इस एक की वैल्यू है। अब हम चाह रहे हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी है ना, इस की के अगेंस्ट ये डिक्शनरी थी, डिक्शनरी के अंदर जो की है ना नेम, नेम वाली, तो वो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू हमारे पास वो प्रिंट हो, हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। इधर किसी को कोई कंफ्यूजन?
ओके अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा एक बड़ी डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी बना के देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे ऊपर नेस्टेड डिक्शनरी पास की, ऐसी जैसे हम लोगों ने एक ऊपर एग्जांपल में ट्यूपल्स पास किए थे या लिस्ट पास की थी, तो जो वैल्यू उसकी जो इनसाइड कोई भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने फिर आगे फर्दर पहले तो इंडेक्स बताया था, लेकिन इसमें हम लोग पहले जो हम लोगों के पास मेन की है, जो पहली या कोई भी की है फर्स्ट उसकी डिक्शनरी की, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की दोनों कीज ही पास करके वैल्यू गेट करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे लाइक पास अगर इसकी जगह हम लोगों के पास और भी, अगर फर्स्ट वाली लिस्ट में और भी कीज हैं लाइक चाइल्ड के अलावा कोई और की भी है, तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि अगर हम लोगों ने देनी है तो पहले हम उसका नेम लिखेंगे फर्स्ट डिक्शनरी की का, और फिर हम लोग उसके अंदर जो नेक्स्ट की होगी उसका लिखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट थी ना उसके अंदर तो हम इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते थे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स से हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें इसको की देनी पड़ती है, देन जाके हमारे पास वो उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। इस वजह से हम उसकी की दे रहे हैं। अगर इस की के अगेंस्ट हमारे पास कोई एक लिस्ट होती ना, फिर हम इधर आगे उसका इंडेक्स देते, उस लिस्ट के अंदर जो भी हमने एलिमेंट को एक्सेस करना है। फिर अगर हमने पूरी लिस्ट को एक्सेस करना होता, फिर हम जस्ट ये इतना रहने देते और वो पूरी लिस्ट रिटर्न कर देता। लाइक इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है ना नेम के अगेंस्ट, वो हमें रिटर्न करेगा, चाहे वो लिस्ट है, टपल है, या स्ट्रिंग है, या इंटीजर है। अच्छा, हम थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, दो डिक्शनरीज बना लेते हैं। जैसे अच्छा, कोई बताएगा मैंने ये क्या किया है? सर नीचे चाइल्ड 2 नहीं आ रहा था, दोनों में चाइल्ड 1 लिखा है आपने। ये क्या किया है हमने कोड में? चलिए बताइए, हम अगर इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट इसमें होगा? आपने सिंपल डिक्शनरी बनाई हुई है, नेस्टेड डिक्शनरी तो नहीं बनाई हुई यहाँ पर। जी, नेस्टेड डिक्शनरी नहीं है ये। सर फिर क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन जो होती है, वो जो स्पेसिंग और वो सारी भी कंसीडर होती है, अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो जस्ट इसकी मतलब इसकी वैल्यू चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 प्रिंट हो जाएगी माई फैमिली की, मतलब वो ऊपर वाले को अलग नहीं, कंसीडर करेगा ऐसे। चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 तो नहीं होगी, क्योंकि ये सर ने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दिया हो ना इसको। नहीं डाला, हाँ मैं भी ये देख रही थी इंटीजर नहीं है तो ये इसमें डला हुआ है तो हो सकता अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंट होगा, हमने ये डिक्शनरी बनाई है एक चाइल्ड 1 के नाम से, उसके अंदर हमारे पास दो की वैल्यूज पेयर हैं। फिर हमने एक दो दूसरी डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर हमारे पास दो की वैल्यू पेयर हैं। फिर हमने एक तीसरी डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर हमारे पास
दो, फिर से दो की वैल्यू पेयर्स हैं। अब इसमें की वैल्यू पेयर क्या है, चाइल्ड वन है, हमारे पास एक डिक्शनरी प्रिंट होगी, देन उसके अगेंस्ट फिर एक नेस्टेड डिक्शनरी प्रिंट होगी। ये जो आपके प्रिंट में जो चीजें प्रिंट होंगी ना, वो एक नेस्टेड डिक्शनरी होगी। तो वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। ये इस डिक्शनरी चाइल्ड वन, ये तो हमारा एज इट इज ये की है, तो ये एज इट इज प्रिंट होगी। उसके बाद हमारे चाइल्ड वन जो है, इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, एक नेस्टेड डिक्शनरी है। ये हमारे पास मेन डिक्शनरी है, मेन डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है, लाइक इसको हमने असाइन किया है चाइल्ड वन। चाइल्ड वन के अंदर क्या है, हमारे पास डिक्शनरी है। तो इसी हमारे पास एक, पहले तो मेन डिक्शनरी है, इसके अंदर हमारे पास एक की है चाइल्ड वन। चाइल्ड वन के अंदर हमने वैल्यू क्या असाइन की है, चाइल्ड वन ये जो वेरिएबल था हमारे पास, इसमें क्या थी, एक डिक्शनरी थी। तो ये जो है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये इसकी जगह पे आ जाएगी, हमारे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी बन जाएगी। इसको मजीद प्रिंट करा के थोड़ा सा ये हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये क्या थी, हमारे पास जिसको हमने प्रिंट करवाया है, हमारे पास एक की थी चाइल्ड वन, देन उसके अगेंस्ट हमारे पास एक पूरी डिक्शनरी है जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। हमने इसकी वैल्यू को क्या दी है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरी एक डिक्शनरी स्टोर है, तो वो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। देन फिर कोमा, फिर चाइल्ड टू, चाइल्ड टू के अंदर भी एक पूरी डिक्शनरी है, उसके आगे वो प्रिंट हो रही है। ये हमारे पास एक नेस्टेड डिक्शनरी है। किसी के कोई क्वेश्चन इसमें? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। नहीं, अंडरस्टैंड तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है ना, चाइल्ड वन नेम असद, यानी कि वो चाइल्ड वन की जो ये ऊपर वाली वैल्यू ये आ गई है, फिर उसके बाद चाइल्ड टू है, तो ये सेम प्रिंट हो रहा है ना, चाइल्ड वन और चाइल्ड टू, तो ये डबल नेस्टेड तो नहीं है, सिंगल नेस्टेड कह सकते हैं इसको हम। नेस्टेड तो नेस्टेड ही होता है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। हाँ वो तो जरी बात है, सिंगल हो या डबल हो, लेकिन वो 2D 3D का ऑप्शन भी तो होता है ना। मे भी होता हो वो, लेकिन ये इस तरह की ही कोई डिक्शनरी है, जैसे ही हमने ये बनाई थी ना, बिल्कुल इस तरह की नेस्टेड डिक्शनरी है ऐसे। सर, जी ये चाइल्ड वाला ये जिस इस तरह की है कि अगर आप मेन जैसे कोई भी आपका एक जो डिक्शनरी है उसमें आप कॉल कर रहे हैं या वैल्यूज दे रहे हैं दूसरों की, तो ये ऊप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं लग रहा है इनहेरिटेंस का जो होता है जिसमें आप, या थोड़ा ये सा कुछ, डिफरेंट है सर? थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन वो ऊप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लाइक उसी की देखें मतलब से। हाँ, ये सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ना वो अंडरस्टैंडेबल करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो सिंपल ही है, ये मेरे ख्याल क्योंकि माय फैमिली वाली डिक्शनरी है ना, इसमें देखें ये चाइल्ड है, चाइल्ड को हमने वैल्यू असाइन की हुई है, चाइल्ड वन में नेम और नेम असद है और A21 है, तो ये देखें पहला देखें, चाइल्ड वन में नेम असद और A1 ये वाली डिक्शनरी आ जाएगी। फिर उसके बाद चाइल्ड टू है, उस चाइल्ड टू में हमने फिर नेम अहमद और A13 वाली की हुई, तो सेम एज इट इज वही आ जाएगी। अच्छा, हम इसको ना थोड़ा सा वो देख लेते हैं, लाइक हमने ये तुम्हारे पास पूरी सर इसके अंदर वैल्यूज और कीज को गेट करने का नेस्टेड में फिर क्या तरीकाकार होगा, वो सेम ही चलेगा या इसका वही अलग से डॉट होगा? कीज डॉट वैल्यूज। सही है। अच्छा, हम इसको ना हम थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं, लाइक हमें कोई एक वैल्यू चाहिए तो उसको स्पेसिफिक कैसे करेंगे, मुझे क्या करवाएं। लाइक हमारे पास माई फैमिली, तो हमारे पास पूरी डिक्शनरी थी जो नेस्टेड डिक्शनरी है। देन उसके अंदर हम चाहते हैं कि चाइल्ड वन की वैल्यू, चाइल्ड वन की देंगे हम, चाइल्ड वन की दे दी। अब चाइल्ड वन की जो दी है हमने, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास एक पूरी डिक्शनरी है, ठीक है। लाइक यहाँ पे तो ये की है, की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो चाइल्ड वन की डिक्शनरी है। अब हम अगर इसको जस्ट प्रिंट करवाएं ना, तो हमारे पास ये डिक्शनरी प्रिंट होगी। ये चीज़ क्लियर है ना सबको, ये हमारे पास एक डिक्शनरी प्रिंट हुई है। जी, बिल्कुल सर, क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर ले, लाइक हमारे पास हम नेम की वैल्यू प्रिंट करना या एज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, एज के अगेंस्ट जो वैल्यू है ना, देन हम फर्दर उसके अंदर क्या करेंगे, की पास करेंगे एज वाली। अब हमारे पास ये प्रिंट हो गया एज। हमने क्या किया, पहले तो हमारे पास पूरी जो मेन डिक्शनरी हमारी वो,
फिर उसके अंदर हमारे पास क्या है, चाइल्ड वाली की। चाइल्ड वाली की के अंदर हमारे पास कौन सी की है, एज वाली की, उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारे पास वो प्रिंट हो गई। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, हम थोड़ा सा इसको बाद में भी देख लेंगे, लाइक जुमे वाले लेक्चर में, आप में से कोई अगर प्रेजेंट करना चाहे तो। हमने इसके मेथड तो कवर कर लिए थे, लाइक क्लियर था, कॉपी था, और गेट वाला मेथड था, आइटम्स था, कीज था, पॉप था, और पॉप आइटम अपडेट, ये हमने कवर कर लिए थे। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना अपने हाथ से, तो ये फिर आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी, ये कैसे काम कर रही है। लाइक ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब आप अपने हाथ से करेंगे ना तो फिर इजी होगा। एक बार इसको करके देखिएगा, अगर फिर भी नहीं होता तो फिर मुझे बताइएगा, हम दोबारा एक क्लास रख लेंगे और इसको फिर दोबारा समझ लेंगे। अच्छा, हमारे पास अब एक है पाइथन कंडीशंस, इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स भी कह सकते हैं इनको, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ये क्या क्या होती हैं, हमारे पास कोई बताएगा? सर इसमें कंडीशंस देते हैं कि जैसे अगर हम लोग कोई भी क्राइटेरिया है उस पे हम जा जैसे हम लोगों ने अगर सिंपल वो कौन सी होता है फ्लो चार्ट, जो जैसे हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाए होते हैं, अगर मेरे ख्याल में सब बच्चे अवेयर हो गए फ्लो चार्ट से, तो उसमें हम लोग कंडीशन रख देते हैं कि यस और नो की, मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तो, अगर इस चीज को हम लोग प्रोग्रामिंग में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग इफ एल्स की कंडीशन है वो यूज करते हैं कि अगर आपके ये स्टेटमेंट या कोई भी चीज है जैसे पासिंग मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो आप पास हैं, एल्स आप लोग फेल हैं। तो कोई भी जब इस तरह की कोई क्राइटेरिया होता है और उसको हम लोगों ने मेंशन करना होता है प्रोग्रामिंग फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे करते हैं कंडीशंस यूज करते हैं। अच्छा, ये मैथ के लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस की तरह ही होती है, लाइक इसमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उन चीज़ों का तो आइडिया होगा ना आपको, तो उस तरह ही होती है। हम इसको राइट कैसे करते हैं, लाइक हम देख लेते हैं इसको। इन सिंबल्स का तो आइडिया है ना, ये हम क्यों यूज करते हैं? बिल्कुल अच्छा, हमारे पास ये है, हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, इसमें एक में हमने 21 स्टोर किया है और दूसरे में 200 स्टोर किया है। हमने कंडीशन क्या लगाई है इसमें, अगर इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो हमारे पास प्रिंट ये कर दे। ये ग्रेटर का सिंबल का तो आइडिया है ना, ये ग्रेटर का होता है हमारे पास, और ये लेस का होता है, ये इक्वल का होता है, और ये नॉट इक्वल टू का होता है, इन चीज़ों का आइडिया है ना? यस सर। ओके okay. यस सर। ओके okay. अच्छा, इसमें इफ एल्स और एलिफ, लाइक हम दो तीन वो रख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको लिख के दिखाता हूँ।
अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि हमने कंडीशन लगाई है कि इफ अगर बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हो जाए, अगर नहीं है तो फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन चलेगी एलिफ में जो है, फिर वो चेक करेगा सी ग्रेटर देन ए, अगर सी ए से बड़ा है तो ये प्रिंट होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल हो जाती हैं फिर हमारे पास ये लास्ट वाली कंडीशन ये प्रिंट होगी। अगर हमारे पास पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो फिर ये अगलों को चेक नहीं करेगा और पहली वाली में जो भी हमारे पास जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो प्रिंट कर देगा हमारे पास। हम इसको फॉल्स करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड कंडीशन, ये अभी तो हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू हुई है ना, और वो आगे उसने चेक ही नहीं किया है। अब उसके पास क्या था कि हमने कंडीशन लगाई हुई थी बी ग्रेटर देन ए, जबकि बी ए से ग्रेटर नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारे पास। देन उसने चेक की है सेकंड कंडीशन जो हम एलिफ में लगाई थी सी ग्रेटर देन ए, अगर सी ए से बड़ा है तो सी अफकोर्स ए से बड़ा है तो उसको उसने प्रिंट करवा दिया है, और फिर उसने अगली कंडीशन चेक ही नहीं की। अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा इसमें? अच्छा जी, उसने पहली कंडीशन चेक की है, जी उसने पहली कंडीशन चेक की है तो वो फॉल्स हो गई है क्योंकि बी ए से ग्रेटर नहीं है, बी तो ए के इक्वल है। उसने दूसरी चेक की है सी भी ग्रेटर नहीं है, सी भी ए के इक्वल है। फिर हमारे पास एल्स में जो भी होगा ना, एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते, एल्स में जस्ट हम जो हमने प्रिंट करवाना हो ना, लाइक जो अगर ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना फिर वो एल्स में जो भी होगा वो प्रिंट करवा देगा। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते, लाइक सी ग्रेटर देन ए या बी ग्रेटर देन, इस तरह की कुछ नहीं देते हम। जस्ट एल्स के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं हमारे पास अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो चुकी हैं तो हमारे पास एल्स में जो है वो प्रिंट करवा दो। सर, एल्स को इसको दोबारा नहीं लिख सकते सर? एल इसको लिखना जरूरी है या ऐसा काम होता है? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, दोबारा बताइएगा सर दो बार नहीं लिख सकते सर क्या? यह किसको एल एफ सर लिखना क्यों जरूरी है? इफ किसको दो बार नहीं लिख सकते? को सर, इफ को। एक मिनट, जी सर, ऐसे इसमें एलिफ को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास जो प्रीवियस कंडीशन है ना, अगर वो हमारे पास ट्रू नहीं होती तो फिर वो अगली को चेक करे, इसलिए हम एलिफ को लिखते हैं। सही है। अगर हमारे पास कोई लाइक हमारे पास ये ऊपर वाली प्रीवियस कंडीशन थी ना, अगर ये हमारे पास ट्रू नहीं होती तो फिर वो अगली को चेक करे, अगली अगली भी ट्रू नहीं होती फिर वो अगली को चेक करे। एलिफ इफ हम एक ही बार लिखेंगे और एलिफ हम दरमियान में जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं, एलिफ के बाद एल्स लिखना जरूरी नहीं है। लाइक एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, एल्स लिखना जरूरी नहीं है इसमें। अगर हम इफ लिख रहे हैं ना, और जस्ट अगर हम इफ ही लिख रहे हैं फिर भी एल्स लिखना जरूरी नहीं है, एल्स हम उस सूरत में लिखते हैं अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना, हमारी ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन है तो उसके लिए हम एल्स लिखते हैं कि हमारे पास फिर ये प्रिंट हो जाए, वरना अगर हमारे पास वो कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा प्रिंट स्टेटमेंट में। वो हम जैसे इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास ऊपर वाली सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो रही हैं तो कुछ ना प्रिंट होने से बेहतर है कि हमारे पास ये प्रिंट हो जाए कि सारी कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं, इसलिए हमारे पास ये लास्ट वाला जो हमने लिखा हुआ था एल्स के अंदर वो हमारे पास प्रिंट हुआ है। अच्छा, इसकी इंडेंटेशन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लाइक अगर हम इसको प्रिंट को ऐसे लिख देंगे ना, एक टैब स्पेस दे के लिखते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम टैब स्पेस ना दें वैसे तो वो यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है। लाइक इधर अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो इधर एरर भी दे रहा है कि इंडेंटेशन एरर है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट लोप आफ्टर इफ स्टेटमेंट। इफ के बाद जैसे हम कोलन लगाएंगे ना और इंटर दबाएंगे वैसे तो वो हमें दे ही देता है स्पेस, अगर ना भी दे तो हमें खुद से स्पेस देनी होगी एक टैब की, और फिर हमने अपनी
जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो लिखनी होगी कि लाइक जो भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। आई थिंक सर यहाँ पे ना ये तो हमें वीएस कोड वगैरह अगर वो हम इसके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो फिर हमें एक स्पेस दबाने से ये वो बिल्कुल सेट हो जाता है अटेंडेशन। वरना अगर ये हमारी ये हमने इंस्टॉल ना की हो इसकी वो जो कमांड्स वगैरह जो भी होती हैं तो फिर हमें चार स्पेस दबानी पड़ती हैं। आई थिंक मेरे से इंटरव्यू में किसी ने ये सवाल पूछा था तो मैं उस पर नींद दे मैंने कहा एक ही स्पेस क्योंकि जी ये सर, चीज़ें तो हमें चार स्पेस स्पेस जो है हमारे पास वो चार दबानी पड़ती हैं, और जो टैब है ना हमें वो एक बार दबाना पड़ता है। एक टैब चार स्पेसेस के इक्वल है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अगर हम टैब दबाएंगे तो वो एक ही बार में हो जाएगा, अगर हम स्पेसेस के जरिए करना चाहते हैं तो हमें चार बार स्पेसेस दबानी पड़ेंगी तब जाके। वैसे तो ये खुद ही हो जाता है, लाइक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जब हम कोलन लगाने के बाद इंटर करते हैं ना, तो वो खुद ही ये देखें स्पेस ले लेता है। अच्छा, हम इसको एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं, लाइक इफ एल्स को? ये तो हमने तीन चार लाइनों में लिख दिया है ना, अगर हम इसको एक ही लाइन में लिखना चाहें। हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। ये किसी को समझ आया है मैंने क्या किया है? अच्छा, इसमें हमने ऐसे किया है कि प्रिंट करे ए को, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट कर दे ए को, वरना एल्स में जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है ये वाली, फिर प्रिंट कर दे बी को। उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले कंडीशन लिख रहे थे अपनी, देन हम प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे थे। इसमें हम क्या कह रहे हैं, पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपनी जो हमने प्रिंट करवाना है, फिर हम कंडीशन दे रहे हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट दिस, इफ ए ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट दिस। इसमें हमें कोलन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ समझ आया? सर, सेंटेक्स ही ऐसा है कि पहले हमने प्रिंट मतलब प्रिंट दे के राइट करती है, उसके बाद कंडीशन लगानी है, और एल्स और इफ जो है वो साथ होंगे, और फिर एंड पे हम लोगों ने मतलब स्टार्ट में और एंड पे प्रिंट करना है, यानी ये सेंटेक्स ही ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। जी, अगर हाँ, आप यहाँ यहाँ पर ऐसे है ना, देखें प्रिंट ए अगर हम प्रिंट ए करवाते हैं ना तो इफ ए ग्रेटर देन है बी से, अगर यहाँ पे कंडीशन ठीक हो जाती है तो प्रिंट ए हो जाएगा तो नेक्स्ट वो जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो एल्स पे चला जाएगा, एल्स हो या एलिफ हो वो उस पे चला जाएगा। ऊपर तो हम ऐसे कर रहे थे ना कि हम पहले अपनी कंडीशन लगा रहे थे, जो भी कंडीशन थी हमारी, देन हम उसके प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट थी। इधर हम एक ही लाइन में सब कुछ कर रहे हैं, उधर तो तीन चार लाइन्स थी ना, इधर हम एक ही लाइन में कर रहे हैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है मेथड। पहले हम अपने प्रिंट, जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो देंगे, फिर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये वाला प्रिंट होगा, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती फिर वो एल्स में चला जाएगा, एल्स में जो भी होगा हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है ये। मैम, क्लियर है अब आपको? जी जी सर, अच्छा, इसमें एक एंड और के ऑपरेटर्स हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, कोई बताएगा एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है यहाँ पे? सर
वो जो एंड कंफ्यूज के यूनियन और इंटरसेक्शन का हम लोगों ने इसी क्लास में इसी कोर्स में किया था। जी, ये हमने एक इसी तरह कोर्स से में किया। इंटरसेक्शन वाला काम, जैसे वो अगर हमें दोनों ही अगर कंडीशंस ट्रू होंगी तब वो हमें प्रिंट करके देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारे पास एंड में हमारे पास ये है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसके एंड का मतलब है कि हमारे पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। लाइक इफ ए ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा हो और जो सी है वो भी ए से बड़ा हो, तब हमारे पास ये प्रिंट होगा। दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, बहुत कंडीशन का ट्रू। अगर हमारे पास देखें, अब हमने क्या कर दिया, एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है, ए ग्रेटर देन बी, जो कि ए बी से बड़ा नहीं है क्योंकि बी बड़ा है, तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम एल्स डालते, जो भी हम एल्स में डालते वो हमारे पास प्रिंट हो जाता। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है जिसकी वजह से हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब हमारे पास दोनों कंडीशन इसमें ट्रू हैं। इसमें इसमें ये चीज है ना, एंड और तीसरा आई थिंक नॉर था। एंड में ये होता है अगर दोनों ट्रू हो तो फिर कंडीशन आगे हमारी वो कोड चलेगा, अगर वरना ये पास होगी। और में दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो रन हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और में हमारे पास जैसे कि सर ने बताया है कि हमारे पास अगर एंड में क्या था हमारे पास कि एक दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, और में हमारे पास ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है ना हमारे पास तो ये चलेगा। लाइक हम इसकी एक को फॉल कर देते हैं, अब इसमें एक कंडीशन फॉल्स है और एक ट्रू है तो अभी भी ये चलेगा। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ इसमें कि एक कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, अगर हम दोनों को ही फॉल्स कर दें फिर ये नहीं चलेगा। हाँ, दोनों ट्रू हो फिर भी चलेगा, एक ट्रू हो तब भी चलेगा, दोनों ट्रू हो फिर भी चलेगा, अगर दोनों फॉल्स हो फिर ये नहीं चलेगा। ये और का मेथड है। इसके लिए दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है, अगर दोनों भी ट्रू हैं फिर भी चलेगा, लेकिन अगर एक ट्रू है फिर भी चलेगा, अगर दोनों ही फॉल्स हैं फिर नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे पास अब नोट का भी है, कोई हम जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बताएं क्या प्रिंट होगा। पहले तो वो कंडीशन देखेगा कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है जो कि है, तो फिर हमने एक नोट नोट इसी का क्वेश्चन। हमने नोट लगाया हुआ है, और उस कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा ना हो। नोट का मतलब ये है कि ए जो है वो बी से बड़ा ना हो, जो कि इस केस में ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो गया आई थिंक। जी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इसमें हमारे पास, अगर हम इसको लेस कर देते लेस दें। अब हमारे पास क्या है, ए जो है वो बी से छोटा है। लाइक नोट का मतलब ये है कि ए है जो बी से बड़ा है। इसमें हमारे पास लेस देन का मतलब है कि ए बी से छोटा है, लेकिन ये नोट लगाने के बाद ये उलट हो गई है कंडीशन कि ए बी से बड़ा है। अब इस केस में हमारे पास ये प्रिंट होगा। ये नोट की समझ आई है, जो भी हमारे पास कंडीशन होगी ना उसका उलट हो जाएगा बस। ये हमारे पास ग्रेटर की कंडीशन है तो ये लेस की हो जाएगी, अगर हमारे पास लेस की है तो ये ग्रेटर की हो जाएगी नोट लगाने की वजह से। किसी का क्वेश्चन है इसमें कोई? सर अच्छा,
हमारे पास जैसे नेस्टेड डिक्शनरी थी ना, उसी तरह हमारे पास नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। जो हमने ऊपर ऑपरेटर किए हैं ना, हाँ ये लॉजिक्स ऑपरेटर हैं तीनों, नॉट एंड और आई थिंक ऐसे ही है ना सर। जी बिल्कुल, लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास ना नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास पहले वो ये इस कंडीशन में आएगा, चेक करेगा कि हमारे पास एक्स में जो भी वैल्यू है, लाइक 23 है, 23 ग्रेटर है 10 से, वो इधर ही ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और हमारे पास ये 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वो अगेन उसके अंदर हमारे पास फर्दर कंडीशंस भी हैं, फिर वो इनको भी चेक करेगा। एक तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा 10, देन हमारे पास इनको चेक करेगा कि एक्स ग्रेटर है 20 से, जो कि हमारे पास है, फिर वो इसको प्रिंट करेगा 20। हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, क्योंकि हमारे पास ये इस कंडीशन के अंदर ये सब कुछ है, ये सब कुछ, ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ये दोनों प्रिंट हो रही है, अगर हम इसको कर देते लाइक 20, अब हमारे पास कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा? ऐसा कुछ भी नहीं प्रिंट होगा अगर फर्स्ट नहीं जो इफ की कंडीशन नहीं, ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं ये देखें देन तो है, सही है, ठीक है, हाँ वो है, ग्रेटर देन है, तो जी एल्स की कंडीशन पे आ जाएगा, एल्स की जी जो नॉट 20। जी हमारे पास अभी ये चेक करेगा पहले एक्स ग्रेटर देन 10, जो कि 20 ग्रेटर देन 10 है, वो प्रिंट होगा। फिर हमारे पास ये फर्दर जो कंडीशन है हमारी, वो चेक करेगा एक्स ग्रेटर देन 20, जो कि 20 तो 20 के इक्वल है, वो ग्रेटर नहीं है, ये कंडीशन हो गई हमारे पास फॉल्स। फिर वो आएगा एल्स में, एल्स में जो कुछ भी हमारे पास वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ऊपर वाला 10 और नीचे नोट 20। अगर हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो फिर वो एल्स में आता है, और फिर वो जो एल्स में जो भी हमारे पास होता है वो प्रिंट हो जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, हमारे पास ये इफ है ना, इस इफ का एल्स ये नहीं है, ये इस इफ का एल्स है, जिस इफ के नीचे एल्स होगा ना, वो उस इफ का एल्स होगा, ना कि आप ये समझे कि ये इस इफ का एल्स है। अगर इस इफ का एल्स होता तो ये इसके नीचे होता, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती है, इंडेंटेशन। किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसमें जैसे ये कोड है कि इफ एक्स ग्रेटर देन 10, और अगर यहाँ पे आपके प्रिंट ना करवाएं, यहाँ पे अगर वो जो एक कीवर्ड है पास का वो लगा दें, फिर वो नेक्स्ट कंडीशन चेक कर दें, वहां पे वो इफ एल्स प्रिंट हो जाए, मतलब ये एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं कही थी आज ही की क्लास में, मुझे जी वो किधर लगाना है पास? यहाँ यहाँ से इसको रिमूव करें, ये प्रिंट 10 को यहाँ पे पास राइट एंटर करके पास, अच्छा, और बाकी आप रन करते दीजिए। जी अब पास का मतलब ये है इसमें कि हमारे पास ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, हमें पता है 20 ग्रेटर है 10 से, तो इस पास का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। अगर हमारे पास ये नीचे वाली कंडीशंस ना होती तो फिर भी वो कुछ नहीं प्रिंट करता। पास का मतलब यह है कि बस ये चल जाए और कुछ प्रिंट ना करे। लाइक अब सर इसमें ये उस भी थोड़ा ये बेनिफिशियल होगा ना, कि अगर हम लोगों ने इफ एक्स ग्रेटर देन 10 के बाद हम लोग कुछ भी प्रिंट नहीं देते, तो उस वक्त ये फिर हम लोग मतलब हो सकता है ये आगे मतलब एरर शो कर दे या कुछ करे, कि कुछ होनी चाहिए स्टेटमेंट या समथिंग, कुछ आप प्रिंट कमांड दे दें या कुछ कर दें, तो इसलिए पास इस लिहाज से बेनिफिशियल होता है कि आप यहाँ पास एंटर करवा दें, अगर आप यहाँ कोई प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे कुछ भी। जी बिल्कुल, अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे ना, तो फिर ये हमारे पास एरर देगा, अगर हम कुछ भी ना दें लाइक हम, बल्कि अब तो हमारे पास है ना, हम इसको रिमूव कर देते हैं।
अब हमने कुछ कुछ भी नहीं दिया इसको, अब इसने एरर दिया है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी प्रिंट ना हो तब हम फिर पास यूज करते हैं, कि हमारे पास कुछ भी प्रिंट ना हो, हमारी कंडीशन चले लेकिन हमारे पास कुछ प्रिंट ना हो तब हम पास यूज करते हैं, वरना अगर हम इसको खाली छोड़ देना फिर हमारे पास एरर आता है। अगर हमने कुछ प्रिंट करवाना है फिर तो हम प्रिंट में ही लिखेंगे जो भी हमने प्रिंट करवाना है, अगर हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाना फिर हम ये पास का यूज करते हैं। जस्ट हम एरर ना है इसलिए हम ये पास का